क्या की ये तुम, क्या की ये तुम, मतलब ये था क्या? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। ऐसा नजारा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि शाम के 6 बज रहे हो। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स कितना काला बादल हुआ है, इतना घना बादल किया हुआ, एकदम काला अंधेरा सा हो गया है रूम। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे स्टार्ट करती हूँ। पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब भी बादल या हवा चलती है तो मेरे घर में बहुत सारे कचड़े आ जाते हैं, बहुत गंदे आ जाते हैं, तो मैं सबसे पहले खिड़की बंद कर लूँगी क्योंकि मेरे घर में खिड़की बहुत है। तो मैंने सब चीज़ बंद कर लिया है, खिड़की इतना मेहनत से। और यहाँ पे मैं टेबल पे रख के भूल गई थी, सुबह को ही शैम्पू मैंने मंगवाया था तो यहीं पर रखा हुआ था, तो चलो इसे भी ले कर जाके रूम में रख ही देती हूँ। लोगों को भी मैंने दिखाया, इतना घना बादल था, मैंने जल्दी जल्दी सारी खिड़की को लगाया, लॉक किया सब चीज़। और अभी क्या देखती हूँ कि सारे बादल खत्म, कि बारिश खत्म भी हो गई। देख लो, मतलब ये क्या था, मतलब ये था क्या, मतलब क्या हुआ ना कि तुरंत अभी बादल हुआ ही था, मौसम एकदम बारिश वाला किया हुआ ही था और थोड़ी सी बारिश हुई और जस्ट खत्म। मैंने जैसे खिड़की लगाया, लॉक किया और बारिश खत्म हो गई। अब क्या कर सकते हैं, मुझे शायद मेहनत करवाने के लिए ही शायद बारिश होने की संभावना हुई थी। चलो कोई नहीं, मेहनत कर लिया, बट इधर आके देखती हूँ इशू सो गई थी, तो इशू को मैं सोने देती हूँ, लाइट मैं ऑन नहीं करूँगी। और मैं चलती हूँ फिलहाल, थोड़ा मुझे काम है किचन में, सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं तो बर्तन जाके सब समेट लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। और ये देख लो मेरी चाय, ओहो। और आजकल मैंने स्टार्ट किया है, चाय में डेली इलायची दे देती हूँ। और ये है मम्मी का नाश्ता जिसमें था कच्चा मूंग, जो कि अंकुरित मूंग था, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज मैंने सोचा कि चलो मैं भी चाय पी ही लेती हूँ इतने दिनों के बाद। चाय में अगर अदरक, इलायची, नींबू के पत्ते अगर मिले होते हैं तो चाय बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए आज मैं पी रही हूँ चाय। और इधर मेरी मॉर्निंग में जग गई है, गुड इवनिंग हो गया पता है आपको। चलो उठो 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 उठो। इशू ये गुड मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग हो चुकी है ना, से हाय। अब मैं इशू के ड्रेस चेंज कर लूंगी और उसके बाद इसे नीचे भेज दूंगी। उसके तो नीचे भेजने से पहले मैं इसे सेरोलेक खिलाती हूँ हर शाम को, तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। दूध के साथ 2 चम्मच सेरोलेक अभी दे देती हूँ, भी बच्ची है इसलिए ज्यादा नहीं देती हूँ, 2 चम्मच ही देती हूँ। तो दूध के साथ उसे मिक्स करके अच्छे से और उसे मैं खिलाती हूँ। और 2 आटे के बिस्किट भी देती हूँ मैं, क्योंकि आटे के बिस्किट में फाइबर होता है इसीलिए मैं आटे के बिस्किट यूज़ करती हूँ, ये मैदे का बिस्किट नहीं है। ईशु खाने में इसे नाटक तो करती है, लेकिन जब किसी दिन भूख लग जाती है उसे तो उस दिन नाटक नहीं करती है वो। तो जा लेती हूँ पहले उसे खिला लूंगी। आ जाओगी, अब तो मैंने पकड़ लिया तुम्हें। देखो गाइस ये गोदी से उतरने के लिए कैसे कैसे कर रही है, ये देखो। अब मैं वापस आ गई हूँ और अब डिनर की तैयारी करनी होगी। 2 दिनों से चना फ्रिज में है तो आज सोच रही हूँ चने की सब्जी बना दूँ। ये देखो मेरे फ्रिज में चना, मूंग दोनों अंकुरित दोनों हैं, क्योंकि ये सब बहुत सेहत के लिए अच्छे होते हैं इसलिए मैं रखती हूँ, पापा जी को भी टिफिन देने का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चने की सब्जी। और तो 2 दिन पहले ही मैंने चने को भिगो के रख लिया था, तो कुकर में चने को डाल लें और उसके बाद डालें 2 ग्लास पानी, ताकि पानी ऊपर लेवल तक आए। और उसमें डालें थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा भी नमक नहीं डालना है लेकिन, और उसे कुकर लगा के चढ़ा दें गैस पे और इसे 6 सीटी आने तक इंतज़ार करें। जब तक चने बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। इधर मैंने आटा भी गूंद लिया है क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है, तो सबसे पहले मैं रोटी ही बना लूँगी जब तक वो बॉयल होता है।
सब्जी, तो मेरी रोटी भी बन के रेडी हो गई है। जब तक मेरी रोटी बन गई तब तक इधर क्या देखती हूँ, चने हो गए हैं। ये देखिए चने, आपको जब इसे मैश करेंगे तो अच्छे से मैश हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बॉईल हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और डालिए अपने अनुसार तेल। तो ऐसे वैसे तो चने की सब्जियों में ज़्यादा तेल लगता है, तो उसमें डालिए जीरा, और अभी मैंने डाला है इलायची, 2 इलायची डाला है, और उसके बाद डाल रही हूँ लौंग। इन सबसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सेहत के लिए भी ये सब अच्छा होता है। तो अभी डाल रही हूँ मैं तेजपत्ता, 2 तेजपत्ता, और मसाले में मैंने यूज़ किया है जीरा और काली मिर्च और 2 लहसुन, छोटे छोटे से लहसुन थे, और प्याज कटा हुआ। तो हमारा मसाला हो गया है रेडी, और अब मसाले में ऊपर से मैं डालूँगी 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/2 चम्मच अप्रॉक्स मिर्ची का पाउडर। तो इसे मैं सब मैं मिक्स कर लूँगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब तेल में हम सारे मसाले को डाल देंगे अभी, और आराम से डालिए। मुझे तो कई बार मेरे हाथों में छिड़क जाते हैं मसाले तेल। तो उसके बाद उसमें डालेंगे हम हल्दी, और हल्दी डाल के अच्छे से चलाएंगे। तब तक चलाएंगे जब तक मसाले में से तेल ना निकलने लगे। ये देखिए मसाले में से तेल निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना चना, बॉयल चना, और अच्छे से इसे भुने। और यहाँ पे डालिए अपने अनुसार नमक, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने वहाँ पे पानी में भी डाला था। और ये देखिए अच्छे से भुन जाएगा, ज़्यादा देर भुनना नहीं होता क्योंकि मसाले पहले से ही भुने हुए थे। तो हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे, और ये हमारा चना बनके हो गया रेडी, और रोटी पे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो सबने डिनर तो कर लिया है, लेकिन अभी मेरा सबसे बड़ा काम बाकी है रात को ईशु को सुलाने का, जो कि मेरा सबसे बड़ा काम होता है। ये देखो गाइस, इसने क्या किया, इसने मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया। ये मेरा लगभग 3 मंगलसूत्र तोड़ चुकी है। एक गोल्ड का मंगलसूत्र था वो भी तोड़ चुकी है, और बाकी 2 मंगलसूत्र इस तरह थे जो दोनों तोड़ चुकी है, और ये मेरा फेवरेट था, और इसी के डर से मैं गोल्ड का मंगलसूत्र पहनती नहीं हूँ। तो चलिए गाइस, इश्यू शो गई है, और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।